स्टूडेंट वी आर डिस्कस अबाउट आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो होगा अकार्बनिक रसायन का एस ब्लॉक एलिमेंट। अब सबसे पहले ये बात आता है कि एस ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, एलिमेंट का मतलब होगा तत्व, कि एस ब्लॉक तत्व वे तत्व जिनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो यदि एस ब्लॉक में जाता है तो वे तत्वों को कहते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक तत्व क्या हो गई, वे तत्व जिनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है यदि एस कक्षक में जाता है तो एस कक्षक इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। अब एस ब्लॉक एलिमेंट है उनको दो ग्रुपों में बांटा गया है, एक फर्स्ट ए और सेकंड ए। फर्स्ट ए में चर्चा करेंगे और सेकंड ए में, वो होंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। अब फर्स्ट ए को बोलेंगे हम क्षार धातु, मतलब फर्स्ट ए में जो भी फर्स्ट ए ग्रुप है उसमें जो भी एलिमेंट आएंगे उन्हें क्षार धातु बोलेंगे, और सेकंड ए में जो भी तत्व आएंगे उन्हें हम बोलेंगे क्षारीय मृदा धातु। तो देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट ए ग्रुप जिन्हें बोलेंगे हम क्षार धातु, और सेकंड ए ग्रुप सेकेंड ग्रुप को बोलेंगे हम क्षारीय मृदा धातु। अब फर्स्ट ए में जो भी तत्व आएंगे उन्हें बोलेंगे क्षार धातु, तथा सेकेंड ए में जो भी एलिमेंट आएंगे उन्हें बोलेंगे हम क्षारीय मृदा धातु। अब इनको जो फर्स्ट ए ग्रुप है उनको याद करने की ट्रिक दे दी है, ली ना की रब से फरियाद, अली ना की रब से फरियाद। ए का मतलब हो गया हाइड्रोजन, ली का मतलब हो गया लिथियम, ना का मतलब हो गया सोडियम, की का मतलब हो गया पोटेशियम, यानी के रब का मतलब हो गया आरबी रुबिडियम, से का मतलब हो गया सीजियम सीएस, और फरियाद का मतलब हो गया ट्रांसियम एथार। अब फर्स्ट ए को तत्वों को याद करने की ट्रिक तो ये है, और ये है इनका प्रतीक चिन्ह, इन्हें बोलेंगे हम प्रतीक चिन्ह है ली ना की रब से फरियाद, बात ये हो गया इनका प्रतीक चिन्ह। अब सेकंड ए ग्रुप में जो क्षारीय मृदा धातु है उनको देखिए, इनको याद करने की ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अब बेटा का मतलब हो गया बी बेरिलियम, मांगे का मतलब हो गया एमजी, कार का मतलब हो गया सी ए, स्कूट का मतलब हो गया एस आर, और बाप का मतलब हो गया बी ए, और रोए का मतलब हो गया आर ए। ये हो गया इनका भी प्रतीक चिन्ह हो गया, इन्हें बोलेंगे हम, ये तो हो गया ट्रिक, ये हो गया इनके प्रतीक चिन्ह, इन्हें बोलेंगे हम प्रतीक चिन्ह। अब इनका नाम देखिए, इन्हें बोलेंगे हम हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे हम लिथियम, ये हो गया सोडियम, ये हो गया पोटेशियम, ये हो गया रुबिडियम, ये हो गया सीजियम, और ये हो गया ट्रांसियम। ये हुए इनके नाम, और तब इनके नाम देखिए बीई का मतलब हो गया बेरिलियम,
बी का मतलब होगा बेरिलियम, एम सी का मतलब मैग्नीशियम, सी ए का मतलब होगा कैल्शियम, एस आर का मतलब स्ट्रॉन्शियम, बी ए का मतलब बेरियम और आर ए का मतलब होगा रेडियम। बी ए का मतलब हो गया बेरियम और आर ए का मतलब हो गया रेडियम। ये भी इनके, ये तो ट्रिक है याद करने की, ये इनका प्रतीक चिन्ह है और ये है इनके नाम। अब इसके बाद में आती है इनका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब नंबरिंग, कि ये कितने नंबर पर पाया जाएगा। तो देखिए परमाणु क्रमांक याद करने की बिल्कुल सिंपल ट्रिक है कि इनमें हम मध्य में इन दोनों के, ये दोनों के ऐसे, इनके 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 ऐसे जोड़ेंगे हम। इसमें तो जोड़ती हम दो आठ आठ अठारह अठारह और इसमें जोड़ेंगे 32। दो आठ आठ अठारह अठारह 32 ये जोड़ेंगे। तो अब हमको पता है कि हाइड्रोजन वन नंबर पर पाया जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है एक, तो ये हाइड्रोजन वन है। अब इनको तिरछा जोड़ी है ऐसे, तो दो दो और एक हुए तीन, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होगा तीन। लिथियम तीन नंबर पर पाया जाएगा, लिथियम का परमाणु क्रमांक तीन होगा। इसके बाद में आठ और तीन को जोड़िए, अब तो आठ तीन हो गए 11। लिथियम का परमाणु क्रमांक होगा तीन। इसके बाद में देखिए कि सो आठ और तीन हो गए 11, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होगा 11। अब 11 और आठ हो गए 19, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होगा 19 19। और 19 और 18 हो गए 37, तो रूबिडियम का परमाणु क्रमांक होगा 37। और 37 और 18 हो गए 55, तो सीजियम का परमाणु क्रमांक होगा 55। और 55 और 32 हो गए 87, तो ट्रांसियम का परमाणु क्रमांक होगा 87। अब इसके बाद में आती है बेरिलियम, ये तो इसका परमाणु क्रमांक हो गए। अब पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, या इसका पहले इसका परमाणु क्रमांक भी याद कर लेते हैं कि इसके परमाणु क्रमांक याद करने के लिए इसमें आठ जोड़ेंगे, इसमें आठ, इसमें 18, इसमें 18 और इसमें 32 ये जोड़ना होगा। अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। अब 8 4 होते हैं कितने, 12, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होगा 12। अब 12 और 8 होते हैं 20, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होगा। अब 20 और 8 होते हैं 38, 20 और 18 होते हैं 38, तो इसका परमाणु क्रमांक होगा 38। और 38 और 18 होते हैं 56, तो इसका परमाणु क्रमांक होगा 56। बेरियम का परमाणु क्रमांक होगा 56, तो 56 और 32 होते हैं 88, तो रेडियम का परमाणु क्रमांक होगा 88। बिल्कुल सिंपल में इनको तिरछा जोड़िए, इसमें जोड़िए सेकेंडरी में 8 8 18 18 32 और इसमें 2 8 8 18 18 32 जोड़िए, ये हो गया इनका परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक के बाद में आता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक है, तो इसका मतलब हो गया 1s1, 1s1 हो गया। इसके बाद लिथियम है, तो लिथियम का परमाणु अंक होगा 1s2, 2s1, 2 3। अब इसका परमाणु क्रमांक देखिए 3s1, इसका देखिए 4s1, इसका देखिए 5s1, इसका देखिए 6s1
और इसका 7s1, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया इनका परमाणु। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये तीन का। अब इनका देखिए बैरियम का 1s2 2s2, ये हो गया। अब मैग्नीशियम है तो 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2, 3 और 3 6 हो गए ना। तो ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसके बाद में देखिए इनकी संयोजकता आती है कि संयोजकता क्या होती है। संयोजकता किसी तत्व के बाह्यतम कोश में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो ही उसकी संयोजकता होगी। यानी किसी तत्व के बाह्यतम कोश में जितने अनपेयर्ड या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो ही उसकी संयोजकता होगी। इसके मतलब फर्स्ट ए ग्रुप है, इसमें संयोजक प्लस 1 है, मतलब इनके बाह्यतम कोश में कितने एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, इसलिए इसकी संयोजकता होगी +1। पूरा फर्स्ट ए है, इसकी संयोजकता होगी +1। और इनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं देखिए सबके, तो सेकंड ए मतलब क्षारीय धातु इनकी संयोजकता होगी +2। यानी किसी तत्व के बाह्यतम कोश में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वही उसकी संयोजकता होगी। संयोजकता होती कहलाती यही है, वही संयोजकता कहलाती है। इसके बाह्यतम कोश में एस एस कक्षक है तो इसलिए मतलब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जा रहा है, इसलिए बोल रहे हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक एलिमेंट बोल दिया। अब इसके बाद में जो इनमें 1s1 है यानी +1 इनकी संयोजकता होगी क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है इनके बाह्यतम कक्ष में और यहाँ पर जा रहे हैं पाए जा रहे हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे इन्हें मतलब इसकी भी संयोजकता तो होगी, सिंपल सी बात है। ये हुआ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इनके बारे में फिर से देखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट किन्हें कहते हैं, वे तत्व तो जिनका बाह्यतम जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो यदि एस कक्षक में जाता है तो उन्हें बोलते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उन्हें बोलते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस ब्लॉक एलिमेंट को दो भागों में बांटा गया, एक तो फर्स्ट ए ग्रुप और एक बोला गया सेकंड ए ग्रुप। अब फर्स्ट ए ग्रुप में आते हैं क्षार धातु और सेकंड ए में आते हैं क्षारीय मृदा धातु। अब फर्स्ट ए में जो क्षार धातु आते हैं और सेकंड ए में क्षारीय मृदा धातु है, तो इनको ये याद करने की ट्रिक है हली ना की रब से फरियाद। तो है का मतलब हाइड्रोजन लिथियम, ना मतलब एन ए की मतलब के और रब का मतलब आरवी, सी का मतलब सी एस फरियाद। और फिर ये इनके प्रतीक चिन्ह हो गए, ये इनका नाम है हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम क्रोमियम सीजियम फ्लोरियम और ये परमाणु क्रमांक, ये प्रतीक चिन्ह है और ये है इनका परमाणु क्रमांक 1, 3, 11। और फिर इसके बाद में इनमें 2, 8, 8, 18, 18, 32 जोड़ेंगे तो इनका परमाणु क्रमांक निकल आएगा। तो इसके बाद में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए और इसमें भी इसी तरह बेटा मैंने कार स्कूटर लगाई, इनका प्रतीक चिन्ह लिखा, इसके ये इनके नाम हो गए, इनमें 8, 8, 18, 18, 32 जोड़ेंगे और इसके बाद में इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1। तो इस प्रकार इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इसकी +2 संयोजकता होगी और इसमें बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसलिए इसकी संयोजकता +1 होगी। संयोजकता किसे कहते हैं, किसी तत्व के बाह्यतम कोश में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। अब इसकी संयोजकता +1 है क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं इसलिए इसकी संयोजकता +2 होगी। ये हुआ एस ब्लॉक एलिमेंट। अब इसके बाद में हम
नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट की, कि पी ब्लॉक एलिमेंट में कितने, लेकिन पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनको 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये ग्रुपों में बांटा गया है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।